दोस्तों इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉक के अंदर भारतीय सुपरस्टार वीर महान का अजीब सा सेगमेंट देखने को मिला था, जिसमें वीर महान रो इंटरव्यूअर सारा स्क्राइबर के पास गए और बू कहा बू, और यह कहकर वो वहां से हंसकर चले गए। दोस्तों यह सेगमेंट देखकर सबके मन में यही सवाल आया कि कहीं वीर महान हील सुपरस्टार से बेबी फेस सुपरस्टार तो नहीं बनने वाले, या फिर कहीं वीर महान की रोमांटिक स्टोरीलाइन तो नहीं चलने वाली। तो दोस्तों इस सेगमेंट को लेकर वीर महान का मानना है कि वो लोगों को अपनी दूसरी साइड दिखाना चाहते हैं। दोस्तों वीर महान ने हाल ही में डेली स्टार को इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। दोस्तों वीर महान ने इस अजीब से सेगमेंट को लेकर ये कहा है कि इतना ज्यादा कहने की क्या जरूरत है, जब आप कम कहकर भी अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों वीर महान का कहना है कि दुनिया ने वीर महान की सिर्फ एक साइड देखी है, दूसरी साइड नहीं देखी है। मतलब दुनिया सिर्फ वीर महान को एक खतरनाक सुपरस्टार के रूप में देखती है, जो कि अनस्टॉपेबल है, जो रिंग में जाते ही अपने अपोनेंट को धराशाही कर देते हैं। लेकिन लोगों ने वीर महान की दूसरी साइड नहीं देखी है। दोस्तों वीर महान दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि वीर महान सिर्फ खतरनाक और गुस्से वाले सुपरस्टार नहीं है, वीर महान की दूसरी साइड भी है। दोस्तों इस सेगमेंट के बाद द मिज ने सारा स्क्राइबर से ये कहा कि शायद वीर महान को उनके ऊपर क्रश आ गया है और वो उन्हें पसंद करने लगे हैं। दोस्तों इसके बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वीर महान की नई रोमांटिक स्टोरीलाइन की शुरुआत हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें आपका क्या ओपिनियन है? आप वीर महान को खतरनाक सुपरस्टार के रूप में देखना चाहते हैं या फिर रोमांटिक सुपरस्टार के रूप में देखना चाहते हैं? वो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।